नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। हम आपको सीधा ले चलते हैं त्रावड़ी में, जहां श्रीमद् भागवत कथा लगातार पिछले 6 दिनों से चल रही है। साध्वी जय किशोरी ने त्रावड़ी के अनाज मंडी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 6ठे दिन श्रद्धालु को संबोधित करते हुए कहा कि धर्म के मार्ग से ही मनुष्य खुद को चिंता मुक्त कर सकता है। उन्होंने लोगों से आह्वान भी किया कि यदि वह बार बार के जीवन मरण से मोक्ष हासिल करना चाहते हैं तो परमात्मा को अपने मन में सहेजना होगा। उन्होंने कहा कि इंद्रियों को अपने वश में करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन असंभव नहीं है। आपको बता दें कि हरियाणा के ऐतिहासिक और धार्मिक नगर तरावड़ी में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन स्वर्गीय श्री पन्ना लाल गुप्ता और उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय भागवंती गुप्ता की याद में, यह कथा उनके पुत्र और उद्योगपति श्री रमेश गुप्ता तथा उनके पौत्र अमन गुप्ता आयोजित करवा रहे हैं। शुक्रवार को श्रीमद् भागवत कथा का अंतिम आयोजन होगा, यहां कथा का समापन होगा। खास बात यह है कि ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि बाबा बंसी वाले जी के सानिध्य में करवाए जा रहे इस धार्मिक आयोजन में इतनी भीड़ उमड़ रही है कि खुद कथा के लिए आयोजक हैरान है, क्योंकि अत्यधिक भीड़ से अनाज मंडी का शेड भी छोटा पड़ रहा है। हालांकि कथा के आयोजक के दौरान शहरवासियों के लिए बढ़िया लंगर की व्यवस्था भी की गई है। ऐसा लग रहा है जैसे अनाज मंडी में सप्ताह के लिए कोई बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जहां तीनों समय का खाना श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है। खास बात यह है कि कथा की प्रमुख प्रचारक तेजस्वी जया किशोरी एक एक शब्द को बारीकी से बखान करती है, ताकि लोगों को धर्म और अधर्म के बीच का अंतर समझाया जा सके। जया किशोरी के कंठ से निकलने वाली मधुर आवाज भी लोगों को प्रभावित कर रही है। यही मुख्य वजह है कि कथा में अधिक से अधिक भीड़ जुट रही है। आज कथा के दौरान भारत ग्रुप के मालिक रमेश गुप्ता के साथ साथ उनके पुत्र अमन गुप्ता, राकेश गुप्ता, नाथीराम गुप्ता, संजय गुप्ता, सतपाल गुप्ता, सुशील गुप्ता, गोयल इंटरनेशनल के मालिक विनोद गोयल, घनश्याम दास गर्ग, लालचंद गुप्ता, वीरेंद्र बंसल, साधुराम सिंगला, पंकज गोयल, मलकीत सिंह, सुल्तान सोलो, रामपाल लाठर, संजय सिंगला, राकेश गर्ग, मुकेश गर्ग, शीशपाल गुप्ता, राजकुमार तायल, सुनील गुप्ता, पवन अग्रवाल, सुभाष गोयल, अक्षित अग्रवाल, रोशन लाल गुप्ता, रवि गुप्ता, संदीप गुप्ता, रोशन लाल गुप्ता, कृष्ण सिंगला, मुकेश गोयल, रिंकू, रमेश बंसल, सचिन गुप्ता, सतीश गुलाटी, मनु गुप्ता, संजय गुप्ता, अमन गुप्ता, अक्षय कुमार तथा उद्योगपति रमेश कुमार की पत्नी संतोष गुप्ता सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। तरावड़ी का माहौल इन दिनों पूरी तरह से धर्ममय हो गया है। लोग पूरी तरह से भक्ति में सरोबार हुए नजर आ रहे हैं। तो कृष्ण कृष्ण जाप करने से भगवान प्रसन्न होकर उनको दर्शन देने आते, तब से सुखदेव जी राधा जी को अपना गुरु मानते हैं कि गुरु जी ने मुझे गुरु मंत्र दिया जिसका मैंने जाप किया, जिससे मुझे भगवान की प्राप्ति हुई। इसीलिए उन्होंने राधा जी का नाम नहीं लिया। और राधा जी नहीं, जब आप अमर कथा आप सभी ने सुनी थी सुखदेव जी के अवतार की कथा, तो कहा जाता है कि राधा जी ने ही उन्हें कैलाश पर्वत पर भेजा था। जब राधा जी और ठाकुर जी अवतार ग्रहण करने वाले थे तो भगवान ने राधा जी से कहा कि चलिए तैयार हो जाइए, समय हो गया है। राधा जी ने कहा आप तो द्वारिका होकर आएंगे, मैं आपसे पहले ही आ चुकी हूँ। तो अब राधा जी नीचे जाने लगती है तो सुखदेव जी ने कहा कि मुझे भी साथ चलना है। राधा जी ने कहा तुम जाकर क्या करोगे? बोले आपकी कथा सुनूंगा। तो बोले फिर मेरे साथ मत चल, मैं तुम्हें कैलाश पर्वत भेजती हूँ। वहां पर महादेव जी आए दिन पार्वती जी के साथ कोई ना कोई कथा की चर्चा करते रहते, तो तुम कैलाश पर्वत जाओ। राधा जी ने उन्हें कैलाश पर्वत पर भेजा। जो अमर कथा में आप सुनते हैं कि सूबे कांडा पड़ा था, उसमें से कूदकर सुखदेव जी निकल गए। तो महाराज इस प्रकार वो राधा जी को अपना गुरु मानते हैं। अब इतनी लीलाएं आपने कल सुनी, अब भगवान की एक और प्रसिद्ध लीला है, कौन सी है बताइए? आपने माखन चोरी की लीला सुन ली, गोवर्धन लीला सुन ली, कालियानाग की लीला सुन ली, रास लीला, भगवान की एक और प्रसिद्ध लीला है। लेकिन सुखदेव जी ने इस लीला को बहुत विस्तार में नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि जब वे बता रहे थे तो राजा परीक्षित को सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा, जो हम सबको लगता है ना?
इसीलिए हम रास लीला का प्रयोग कई गलत वाक्यों में करते हैं, करते हैं कि नहीं। तो सुखदेव जी जानते थे कि कलयुग के जीव भगवान की इस लीला को समझ ही नहीं पाएंगे, वो इस लीला में काम देखेंगे, उनको लगेगा कि युवक है, युवतियां हैं, नृत्य कर रहे हैं, काम है, वो भूल जाएंगे उस एक युवक में भगवान है। कल आप सभी ने नृत्य किया, धमाल में आनंद लिया था कि नहीं, भजनों में, है ना, कितनों ने नृत्य किया हाथ उठा। मर्यादा में रहने का व्रत लेकर नहीं रहना, आप जो चाहे कर सकते हैं। दूसरी बात, सुंदर सुंदर गोपियों के साथ आपका नित्य व्यवहार है। अच्छा, सुंदर सुंदर गोपियां क्यों कहा गया, ये तो सभी जानते कि गोपियां बहुत सुंदर थी, पर कितनी सुंदर थी। एक बात बताइए, अगर हमें किसी को सबसे ज्यादा दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा सुंदर कहना है, हम क्या कहते हैं? शब्द नहीं, यानी किसके जैसा कहते हैं, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है बताइए? भगवान। भगवान समझ गए, भगवान सबसे सुंदर है। लेकिन जैसे अगर किसी को अप्सरा, अप्सराएं सबसे ज्यादा सुंदर होती है, वो कहाँ मिलती है? स्वर्ग लोग, वो भी कुछ ही है, कोई ऐसा नहीं बहुत सारी अप्सराएं, कुछ अप्सराएं हैं जो सिर्फ स्वर्ग में मिलती है और वो सबसे सुंदर होती है दुनिया में। तो स्वर्ग लोग में जितनी भी अप्सराएं हैं, जितनी भी, उन सबकी सुंदरता मिला दो, सबकी, तब जाकर ब्रज की एक गोपी हो। गोपियां इतनी सुंदर, तो कामदेव कहते इतनी सुंदर सुंदर गोपियों के साथ आपका नित्य व्यवहार रहता है। शरद पूर्णिमा की रात है, सब कुछ मेरे हिसाब से है, इस बार तो मैं जीतू। भगवान कहते कर लो कोशिश। कामदेव ने बड़ी कोशिशें की, इतने ही बाण चलाए अपने, एक भी बाण सफल नहीं होता, भगवान पर इतना सा भी असर नहीं हुआ। भगवान पर, गोपियों पर, किसी पर कुछ असर नहीं हुआ। उस दिन कामदेव ने अपने मस्तक पे किया, यानी रासलीला में काम कहीं भी नहीं, ये भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है। Thank you.
जी भी चले जाते हैं। अब भगवान कितने समय तक रास करेंगे? बाल बाल गोपियां कितने ही लोग बुलाने जा रहे पर भगवान रास करने लगे। राधा जी को लगा ये बात तो बहुत ज्यादा ही बढ़ गई, इतना बुरा लग गया कि रास करने नहीं आ रहे, किसी से नहीं मिल रहे। अब राधा जी भी उदास हो गई, अब वो भी रास करने नहीं आ रही, घर पर बैठी है, बहुत उदास है, रो रही है। और अगर कोई गलती से पूछ भी ले कि भाई क्या हुआ है, माता पिता तो पूछेंगे लाडली जी क्या हुआ है, क्यों उदास हो, अब कोई पूछे तो वो और जोर से रोने लगे। इस डर से माता पिता भी अब पूछ नहीं रहे। अब एक दिन नारद जी ब्रजभानु जी के घर आते हैं। नारद जी आते हैं, ब्रजभानु जी ने प्रणाम किया, ये नारद जी कैसे आना है? ऐसे ही अब राधा जी उन्हें दिख नहीं रही क्योंकि वो कमरे में बंद है, वो किसी से मिल नहीं रही। तो नारद जी ने पूछा राधा जी कहाँ है? ब्रजभानु जी ने कहा पूछिए, राधा तो पता नहीं कब से उदास बैठी है, किसी से बात नहीं करती, सिर्फ उदास है, रो रही है, कुछ पूछ लो तो और ज्यादा रोने लग जाए, बिना बात के कोई बात नहीं है, और वो भी तो हमें बता ही नहीं है। नारद जी कहते ब्रजभानु जी जब बेटी बिना बात के उदास रहने लग जाए, रोने लग जाए, तो समझ जाना वो विवाह योग्य हो गई है, अब आप उनकी शादी कर दीजिए। ब्रजभानु जी ने कहा शादी कर तो दूं पर लड़का भी तो अच्छा मिलना चाहिए। अरे नारद जी कहते बगल में छोरा गांव गांव में भी कथा के दौरान थोड़ा पीछे रखे अनुरोध है कि जब कथा चले तो आपको पीछे रखिए, प्रत्येक दिन आपको बोलना पड़ता है। तो नारद जी ने कहा कि भाई बगल में छोरा गांव में ढिंढोरा। ब्रजभानु जी ने कहा कौन सा छोरा? अरे बोले नंदराय का छोरा कृष्णा, नंदराय आपके मित्र है, आपका देखा दिखाया घर है, देखा दिखाया लड़का है, परिवार अच्छा है, हाँ बस लड़का थोड़ा चोरी इत्यादि करता है, वो भी माखन की छोरी, वो तो शादी कर दो सुधर जाए। देखिए हमारे समाज में बड़ी विचित्र चीज है कि लड़का और लड़की दोनों की शादी कब करनी है, कैसे पता चलता है? जब लड़की अच्छी समझदार हो जाती है, भाई हर चीज संभाल सकती है, परिवार को देख रही है, तो कहते भाई इसकी शादी कर दो, है ना? और जब लड़का ज्यादा ही बिगड़ जाता है तो हम कहते इसकी शादी, है ना? बहुत बदमाशी करने लगता है तब कहते शादी कर दो, जिम्मेदारी आएगी तो सुधर जाए। तो नारद जी भी यही कह रहे, नारद जी कहते हैं कैसे तो लड़का तो अच्छा ही है, बस हाँ माखन इत्यादि की थोड़ी चोरियां करता है, वो तो शादी होगी जिम्मेदारी आएगी सुधर जाएगी। और आपका देखा दिखाया घर है, आज किसी और के घर भेजो तो आपको थोड़ा सकुचाई भी कुछ कहने से पहले, आपके मित्र का घर है, थोड़ी सी भी दिक्कत होती आप बेझिझक जा सकते हैं, अरे नंदराय तुमने ऐसे कैसे कह दिया, राधा कोई बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो आपके मित्र है, उनसे तो आपको कोई हिज्जत या शर्म है नहीं। ब्रजभानु जी कहते बात तो सही है। ब्रजभानु जी मान जाते हैं, अब रिश्ता भेज रहे हैं, तो एक पत्र तैयार करते हैं, उसमें लिखा है कि हम चाहते हैं राधा आपके घर की बहू बने, अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो स्वीकृति पत्र भेजिए, ठीक है, लेकिन अब खाली हाथ थोड़ी भेजेंगे, तोहफे इत्यादि तो भेजने पड़ेंगे। तो उन्होंने 108 खोमचे तैयार किए, खोमचे मतलब बड़ी बड़ी प्लेट गार्डन की, जैसे आप शादी ब्याह में हम इस पर सब गिफ्ट तैयार करते हैं थाल, हाँ तो उसको कहते हैं खोमचे। तो उन्होंने 108 खोमचे तैयार किए, सब में कुछ ना कुछ रखा, किसी में कपड़े, किसी में देवर, किसी में मेवा मिष्ठान, किसी में मिठाइयाँ, एक खोमचा खाली बढ़ जाता है, तो ब्रजभानु जी ने उसमें मोती भर दी, खूब सारे मोती, और वो 108 खोमचे पत्र के साथ नंद बाबा के घर जाते।
पत्र में क्या लिखा है, ठाकुर जी वहीं पर घूम रहे हैं, दिखा नहीं रहे कि वो बड़े खुश हैं, लेकिन बस कनखियों से देख रहे हैं क्या क्या आया है, क्या लिखा है, खुश बहुत है वो अंदर से। नंद बाबा भी बड़े प्रसन्न होते हैं, कौन राजा जी को अपने गुरु नहीं बनाना चाहेंगे। तो स्वीकृति पत्र तैयार कर रहे हैं, फिर सोचा कि खोमचे सिर्फ खाली थोड़ी भेजेंगे, कुछ ना कुछ को भी बनकर भेजना पड़ेगा। तो सेवकों से कहते हैं कि पहले तो सबको खाली करो, उसके बाद हम अपने सामान रखते हैं। तो सब खाली कर रहे धीरे धीरे, तो नंद बाबा हर थोड़ी देर में वहां पर एक ना एक राउंड मार रहे हैं, ये सब सामान सही है कि नहीं है। अचानक यहाँ पर ठाकुर जी आते हैं, अंत में जो मोतियों का खोमचा रखा था उससे एक मुट्ठी मोती उठाए और चले। नंद बाबा फिर से घूमने आए, मोती कम लग रही है और सेवक अभी तक मोतियों के खोमचे तक पहुंचे हैं नहीं, तो मोती कम कैसे हुए? सेवकों से पूछा के मोती कम लग रहे हैं, तो नंद बाबा ने सेवकों से पूछा कि यहाँ कोई आया था क्या? सेवकों ने कहा कृष्ण बलराम। नंद बाबा कहते घर में ही चोर है, किसी और से क्या पूछा। नंद बाबा ने कहा कन्हैया तूने यहाँ से मोती उठाए? ठाकुर जी कहते हाँ उठाए। अरे आज तो मान गया, हर बार मना कर देता है, मैंने कुछ नहीं किया, क्यों उठाए? बोले मैंने मोतियों की खेती कर दी है, अरे अभी तक तो पेड़ भी लग गए। नंद बाबा कहते उन्हें अब लग रहा है कि मजाक करता है, हाँ खेती कर दी, जरा दिखाना। बोले घर के पीछे, बोले चलो देखते हैं। घर के पीछे गए तो सच में बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, और जैसे अंगूर के गुच्छे लटकते हैं वैसे मोतियों के गुच्छे लटकते हैं। ये सब क्यों किया भगवान? अब भगवान कहते एक नहीं, पूरे 108 खोमचे मोतियों से भरकर भेजो। 108 खोमचे मोतियों से भरकर भेजो। अब सब खोमचों पर कपड़े रखे राधा जी, अब सब पे कपड़े रखे हैं राधा जी, एक बार के लिए तो प्रसन्न होती है क्योंकि स्वीकृति पत्र आया है, यानी रिश्ता मंजूर है। एक बार के लिए चेहरे पर मुस्कुराहट, तुरंत भाग कर आती है, देखते क्या क्या सामान आया है ससुराल से, क्या क्या भेजा है। पहला कपड़ा हटाते मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, चौथा। बाहर वाले को किसी को नहीं पता, सबको अच्छा लग रहा है, पर राधा जी को अंदर से पता है कि इन मोतियों का अर्थ क्या है, ये भगवान ने भेजे क्या दिखाने को कि हमारे घर में भी मोतियों की कमी नहीं है। उन्हें तो एक हार पहना था, उस एक हार का कितना मोल होगा, 108 खोमचे मोतियों से भरकर भेजेंगे। अब तो राधा जी और जोर से रोने लग जाती है कि यानी इतनी बुरी लग गई बात, यहाँ वरना कोई छोटा सा झगड़ा होगा तो बात शादी की हो रही है, इसमें तो सब झगड़े भूल जाएंगे, छोड़ो भाई पुरानी बात, उनको इतनी दिल पे लग गई है बात कि वो इस हाल में भी मुझे बता रहे हैं। राधा जी बहुत उदास, खाना पीना सब बंद, खूब रो रही है, तो बात ज्यादा सीरियस हो जाती है। तब ब्रजभानु जी ने ऐलान किया, ब्रजभानु जी ने कहा राधा रो रही है, भोजन नहीं कर रही है, बहुत उदास है, अगर कोई उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब बात बरसाने से वृंदावन तक पहुंच, सच्चा प्रेम क्या होता है, झगड़ा कितना ही हो जाए, बातें कितनी ही हो जाए, आप उनकी चिंता करना नहीं भूल सकते, अगर वो तकलीफ में है तो आप सारे झगड़े भूल जाए। यहाँ जैसे ही पता चलता है कि राधा जी उदास है, रो रही है, भोजन नहीं करे, अब भगवान का मन विचलित है। अब भगवान कहते हैं अब तो मनाना पड़ेगा किसी, लेकिन सीधे सीधे कैसे जाऊं, क्योंकि भगवान भी सोच रहे क्या पता ये बात सच है नहीं है, अगर मैं चला गया तो वही कह देंगे आ गए मनाने, एक खबर मिली थी कि सब बातें भूल गए, तुरंत आ गए मनाने, बताओ भैया कह देंगे शादी पक्की हुई थी कि चला जाओ रुपया बुलाओ। तो मनाना है पर कैसे मनाए, तब उनका ध्यान यशोदा मैया पर जाता है। तब उन्होंने उनके कमरे में जाते हैं, घाघरा चुन्नी इत्यादि लेते हैं, खूब सारी चूड़ियां इकट्ठा करते हैं और मनिहारी का वेश बनाकर भगवान बरसाने की गलियों में घूम रहे। चूड़ी लाल नहीं
हाथ दबाया, चूड़ी पे की
राधा जी कहती है, राधा कहीं नहीं
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।